हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स देखिए, पोलैंड एक बहुत ही बढ़िया कंट्री है यूरोप में, शेंजन एरिया में। वहाँ काफ़ी अभी काम मिल रहा है लोगों को। तो देखिए, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपको पोलैंड जाना है तो आपको कैसे जाना है। फ्रेंड्स देखिए, पोलैंड की जो एम्बेसी है दिल्ली में, जो दिल्ली में एम्बेसी है, अब उस पर उसकी साइट पर आपको आना है सबसे पहले। ठीक है, ये देखिए, ये एम्बेसी का एड्रेस है पूरा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा एम्बेसी का एड्रेस है, पोलैंड इन इंडिया। आप देख सकते हैं पोलैंड इन इंडिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें आने के बाद आप साइट का एड्रेस government.pl है, इस पर आके मेनू में आके आपको काउंसलर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए, इस पर आप जब आएंगे, ये देखिए यहाँ वीज़ाज आ रहे हैं, वीज़ाज पे क्लिक कर दीजिए। अब वीज़ाज पे जब क्लिक करेंगे, देखिए इसमें अलग अलग टाइप के वीज़ा आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कौन सा वीज़ा चाहिए होता है फ्रेंड्स? आपको चाहिए होता है ये डी टाइप नेशनल वीज़ा। अब ये डी टाइप नेशनल वीज़ा क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है कि अगर 90 दिन से ज़्यादा आपको पोलैंड में जाके काम करना है, इनफैक्ट आपको किसी भी शेंजन अगर एरिया में, यूरोप में किसी भी कंट्री में काम करना है, तो आपको वहाँ का नेशनल वीज़ा लेना पड़ता है। कब? जब आपको 90 दिन से ज़्यादा काम करना है। ध्यान दीजिएगा, 90 डेज से ज़्यादा अगर काम करना है, नेशनल वीज़ा आपको लेना पड़ेगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, डी टाइम नेशनल वीज़ा हो गया। देखिए इसमें पूरा लिखा हुआ है कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, कितना उसका कॉस्ट है। तो देखिए, मैं पहले शुरू करता हूँ अप्लाई कैसे करना है। ये देखिए, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स जो है VFS, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं आप। इन्होंने उनके नंबर्स भी दिए हुए हैं, ईमेल भी दी हुई है। ये ईमेल बहुत ही यूज़फुल होती है फ्रेंड्स, बाद में बहुत काम आती है। आप अगर खुद अप्लाई कर सकते हैं, हाँ आपको एक वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पर आके अप्लाई करना पड़ता है। अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना है, ये भी VFS ग्लोबल से होता है, आप देख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ये देखिए, आप यहाँ पर पूरा चेकलिस्ट दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँगा नहीं, वीडियो लंबा नहीं करना आता मैं। अब ये देखिए, हाउ मच डज इस कॉस्ट, कॉस्ट भी फ्रेंड्स आपको पूरा बताई जाएगी, अभी मैं आपको बताता हूँ। वेटिंग टाइम, ये सब मैं कवर करूँगा। देखिए, अब सबसे पहली चीज़ आपको क्या है, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर वेयर टू अप्लाई, इन्होंने लिखा है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे अभी। अब ये देखिए, ये आपको ले जाएगा VFS की साइट पर, आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, वेट करिए। देखिए घूम रहा है ये अभी। अब जो VFS, जो ये देखिए, जो पोलैंड का ऑफिशियल पार्टनर इंडिया में है VFS ग्लोबल, देखिए वी आर द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ एम्बेसी ऑफ पोलैंड इन इंडिया। अब आपको क्या करना है, ये देखिए, इन सारे में से आपको एक चूज़ करना है, अप्लाई फॉर अ वीज़ा, बुक अपॉइंटमेंट, फाइंड अ सेंटर, प्रीमियम सर्विसेज। ये देखिए ऊपर एक लिखा हुआ आ रहा है, हैदराबाद का सेंटर मूव हो चुका है। तो जो लोग आंध्रा में रहते हैं, हैदराबाद जाना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद का सेंटर मूव हो चुका है, इस पर क्लिक करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब देखिए, अप्लाई फॉर वीज़ा में आप स्टार्ट पर इस पर क्लिक कर दीजिए, अभी आपको लेके जाएगा दूसरे पर। ये देखिए यहाँ पर लेके आ गया। अब आपको अपना वीज़ा सेलेक्ट करना है, व्यू मोर पे क्लिक करना है, वीज़ा टाइप पे क्लिक कर देना है आपको। ये देखिए, वीज़ा टाइप पे आपने क्लिक किया तो आप यहाँ पे अपना वीज़ा सेलेक्ट कर लीजिए। हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट वाला। एक तो एम्प्लॉयमेंट हो गया, बट हमने क्या सेलेक्ट किया था, नेशनल वीज़ा, तो हम नेशनल वीज़ा पर क्लिक कर देंगे। डन, मोर देन 90 डेज। ये देखिए, स्टे ओवर 90 डेज एंड अप टू 365 डेज इन द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड। ठीक है, अब आपको किस में सेलेक्ट करना है, स्टडी, एम्प्लॉयमेंट पर आप क्लिक कर सकते हैं। इन तीन चीज़ों पर आपको मिलेगा। ठीक है, ये हो गया नेशनल वीज़ा। ठीक है फ्रेंड्स, आपने सेलेक्ट कर लिया, अब वापस आ जाइए। अब आपको पता लग गया, अब आपको क्या करना है, अब आपको बिगिन योर एप्लीकेशन करना है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, डाउनलोड द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करिए आप। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से फिर से सेलेक्ट कर लीजिए आप वीज़ा अपना। यहाँ पर आपको सारे, देखिए नेशनल वीज़ा मैंने सेलेक्ट किया, डन किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन आता है, यहाँ पर आपको कैसे क्या करना है। यहाँ पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, आप समझ लीजिए, अगर आपको 90 दिन से कम जाना है तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक करके आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे वीज़ा टाइप पे, वीज़ा टाइप पे क्लिक करना है आपको, ये यहाँ पे आपको कर देना है एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक, डन कर देना है, फिर ओवरव्यू पे क्लिक करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको वीज़ा फ़ीस मैं बताऊँगा। ये देखिए, वीज़ा फ़ीस है आपकी, लॉन्ग टर्म वीज़ा जो है इसकी फ़ीस है 80 यूरो, मतलब 7054 रुपये। आप देख, 7054 इसकी कॉस्ट है फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल है, कोई इससे ज़्यादा बढ़ा ही सकता, कम नहीं कर सकता। फ्रेंड देखिए, सारे चार्जेस लिखे हुए हैं, 970 रुपये VFS का सर्विस चार्ज है फ्रेंड्स। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, जानकार बनिए, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, धोखाधड़ी से बचिए। कोई आपको बोलता है, मैं मुझे 10,000 दो, 20,000 दो, आपको सिर्फ इतने पैसे देने हैं, 7054, इससे 1 रुपये ज़्यादा नहीं, 1 रुपये कम नहीं, इतने पैसे लगते हैं सिर्फ वीज़ा के लिए। ठीक है, अब ये देखिए, ये हो गया। अब आपको समझ लीजिए, यहाँ पे क्लिक करिए, आपको अगर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दीजिए आप। ये देखिए चेकलिस्ट पूरी यहाँ पे है, आप चेकलिस्ट पे क्लिक करेंगे हम, ये चेकलिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी, आप देखिए अभी। तो अभी आपको पूरा पता चलेगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। ये देखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं फ्रेंड्स।
अगर आपको इसका पीडीएफ कॉपी चाहिए, कोई दिक्कत हो रही है, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कनेक्ट करिए, मैं आपको फ्री पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है, अब अगर समझ लीजिए आपको देखना है और क्या आपको चाहिए, तो हम वापस जाएंगे। ठीक है, वीज़ा टाइप पे क्लिक करेंगे, मैं आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्लिक करेंगे एम्प्लॉयमेंट। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे, आ गया आपका नेशनल वीज़ा फॉर्म का एप्लीकेशन। ये देखिए, मैं एप्लीकेशन खोलता हूँ आपके सामने। ये देखिए, आपके सामने एप्लीकेशन खुल गया, कितने जल्दी हो गया देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट भी लगे। सिंपल फॉर्म है फ्रेंड्स, एकदम पीएल मतलब पोलैंड होता है, एकदम सिंपल फॉर्म है, कुछ नहीं करना है आपको, एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, खुद समझ जाएंगे आप। कोई भी डाउट होता है मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कनेक्ट करिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी एप्लीकेशन भरने में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फोटो भी लिखा हुआ है, यहाँ फोटो भी लगाना है आपको, स्पेसिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं, आप इस पर लिखा होता है VFS में। तो फ्रेंड्स ये है पोलैंड जाने का सबसे सही गवर्नमेंट वाला तरीका, मैंने आपको बताया, फीस भी मैंने आपको बता दी। तो आप इन सब चीज़ों से जानकार बनिए, धोखाधड़ी से बचिए और फेक एजेंट्स और फेक साइट से बचिए। कोई डाउट है आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस।